जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है योर नॉलेज शो में। दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत की ओर से फिलीपींस को समर्थन किए जाने से चीन भड़क गया है। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत और चीन के बीच बयानबाजी ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की ओर से की गई टिप्पणी से दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है। चीन ने कहा है कि तीसरे पक्ष को इस मुद्दे में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा था कि भारत राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में फिलीपींस का दृढ़ता से समर्थन करता है। विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से की गई टिप्पणी पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि समुद्री विवाद संबंधित देशों के बीच हल किया जाता है, तीसरे पक्ष को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। लिन जियान ने आगे कहा, संबंधित देशों से हम आग्रह करते हैं कि वे दक्षिण चीन सागर मुद्दे को लेकर सच्चाई बताएं, साथ ही चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों तथा दक्षिण चीन सागर को शांतिपूर्ण और स्थिर बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय देशों के प्रयासों का सम्मान करें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों फिलीपींस दौरे पर है। मंगलवार को फिलीपींस के विदेश सचिव एनरिक मनालो के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, फिलीपींस की राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारत के समर्थन को एक बार फिर से दोहराता हूं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, यह जरूरी है कि भारत और फिलीपींस जैसे देश एक दूसरे से और नजदीकी बढ़ाते हुए काम करें। हर देश को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने और लागू करने का अधिकार है। हमने इस मुद्दे पर भी चर्चा की है। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत और चीन के बीच बयानबाजी ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की ओर से की गई टिप्पणी से दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है। अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताने वाले चीन के दावे को भारत ने बेतुका और हास्यास्पद बताकर खारिज कर दिया है। दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को लेकर विवाद बना हुआ है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला ये समुद्री इलाका 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई से घिरा है। चीन और फिलीपींस में स्कारबोरो और स्प्रेटली आइलैंड को लेकर विवाद है। चीन इन्हें अपना हिस्सा मानता है, जबकि फिलीपींस का कहना है कि दोनों आइलैंड पर उसका अधिकार है। सेकंड थॉमस शोल को फिलीपींस में आयुंगिन और चीन में रेनाई रीफ के नाम से जाना जाता है। 200 समुद्री मील का ये इलाका दुनिया के सबसे व्यस्ततम कारोबारी रास्तों में से एक है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से भारत और फिलीपींस संबंधों में गर्माहट आ रही है। दोनों देशों के बीच खासकर रक्षा क्षेत्र में आपसी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत ने मनीला को सस्ते दरों पर लोन ऑफर किया है। व्यापार, रक्षा और समुद्री सहयोग के अलावा दोनों देश स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी पारस्परिक सहयोग कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।